वेलकम टू एवरी वन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट, जो कि हमारा चैप्टर टू है। तो हम लोग इसमें एक क्वेश्चन करे हुए थे जिसमें जो कि गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ था एंड उसमें हमारा रूट्स दिया हुआ था रेशियो के फॉर्मेशन में। सेम वैसे ही क्वेश्चन आज भी लिए हुए हैं। तो कल हम करवाए थे 2:3 का रेशियो था, आज 3:4 का रेशियो है। तो बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे कि गिवन रेशियो अगर दिया हुआ रहेगा तो रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब एक्स के 3 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो गिवन इक्वेशन है ना, उसमें अगर वैल्यू आप पुट आउट कर देंगे ना एक्स का, ठीक है, तो पूरा कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा। 3 वैल्यू से तीनों वैल्यू पुट आउट करेंगे तो पूरा कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा। ओके, चेक करने का तरीका होता है, बट एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है चेक करने का। अगर मिल जाए तो चेक कर लीजिएगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सिखा देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्यूशन में होगा, सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, तो देखिए 2x³ - x² - 22x - 24 = 0 ये दिया हुआ। लेट द रूट्स, जो रूट्स है वो रेशियो के फॉर्मेशन में है, ठीक है। तो रूट्स जो लेंगे वो अल्फा बीटा के फॉर्मेशन में हम लेंगे, यहाँ रेशियो दिया हुआ है। तो जो रेशियो दिया हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा वाले मतलब जो वैल्यूज लेंगे वो 2 रहेगा, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन बी क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा 3 अल्फा, दिस इज 4 अल्फा, एंड जो नहीं मालूम है दिस इज बीटा। ओके, देन वी हैव क्या होगा, तो देखिए सम ऑफ द रूट्स सिंपल फर्स्ट लिखते हैं, 3 अल्फा + 4 अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या था, -b/a, -b मतलब यहाँ कोफिशिएंट क्या है, तो नेगेटिव है सिर्फ, ठीक है, और मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बोल सकते हैं -1/a, a जगह पे 2 है, ठीक। तो -b/a और -1 है, तो माइनस यहाँ पे 1 लिख देंगे, दिस वन। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, 3 और 4 7 अल्फा + बीटा = -, -+ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसे इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर देंगे, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, दो रूट का प्रोडक्ट फिर सम, तो यहाँ 3 अल्फा + 4 अल्फा + 3 अल्फा + बीटा + 4 अल्फा + बीटा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, c/a, जो कि हमारा c जो है -22/a मतलब 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 2 = 12 α² + यहाँ क्या होगा, 3 α β और 4 α β, कितना हो जाएगा, 7 α β = देखिए ये इससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है, इजीली कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में, जो कि 11 टाइम्स में लिख दिए, ठीक। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, और कुछ सॉल्व हो सकता है, अगर सॉल्व होता है तो कर लीजिएगा, नहीं होता है तो बस इक्वेशन डाल देंगे। एंड क्या होगा कि तीनों का प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, 3 α × 4 α × β इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, फॉर्मूला जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो d/a मतलब क्या होगा, -24/a मतलब 2। ओके, 3 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया, α² दिस इज बीटा इक्वल टू ये जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितने टाइम्स में जाएगा, ये 12 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, दिस वन। देन इसे इक्वेशन हम मान लेते हैं 3, इक्वेशन हमारा 3 हो गया। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, बीटा का वैल्यू लेके आते हैं। ओके, बीटा का वैल्यू हम इजीली ला सकते हैं, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से वैसे 12 12 कट जाता, वैल्यू 1 आ जाता, आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, दिस वन 1। ओके, ये काट के वैल्यू 1, देन तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी गेट, इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 जो है हम बीटा का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, बीटा इक्वल टू बोल सकते हैं 1/2 - 7 अल्फा, ठीक है, ये बीटा का वैल्यू
सिंपल बीटा इक्वल टू दिस, अगर अल्फा का वैल्यू हमें पता चल जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देंगे बीटा का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। इसलिए ये इस फॉर्म में इक्वेशन को निकालें, दिस इज इक्वेशन फोर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है थ्री तक आया था अब फोर कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन। देन ये थोड़ा सा यूज करते हैं, अब देखिए जो इक्वेशन टू है इसमें अगर हम बीटा का वैल्यू पुट आउट कर देते हैं तो देखिए वैल्यूज क्या आता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन टू वी गेट, देखिए एक्चुअली मैं सॉल्व करना इक्वेशन वन एंड टू तभी जाके अल्फा और बीटा का वैल्यू आता है हमारे पास, ठीक है तो इक्वेशन वन एंड टू को ही सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन वन को सॉल्व किए तो बीटा का फॉर्मेशन ऐसे डाल दिए एंड बीटा का वैल्यू टू में ही पुट आउट कर दे रहे, ठीक है क्योंकि दोनों को ही सिर्फ सॉल्व करना है थ्री को सॉल्व नहीं करना है, ठीक। देन तो देखिए यहाँ पे जैसे ही वैल्यू हम लिखेंगे टू में जैसे पुट आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा ट्वेल्व अल्फा स्क्वायर प्लस सेवन अल्फा और बीटा का यहाँ वैल्यू, ठीक है जो कि वन अपॉन टू माइनस सेवन अल्फा इक्वल माइनस इलेवन, ठीक है ट्वेल्व अल्फा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा सेवन अल्फा यहाँ पे जाएगा सेवन अल्फा बाई में टू प्लस माइनस माइनस, ठीक है सेवन इंटू सेवन अल्फा स्क्वायर माइनस इलेवन यही होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है देखिए यहाँ पे टू ये अल्फा अल्फा वाला टर्म्स, ठीक है अल्फा स्क्वायर है सेम सेम तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायरिंग वाला पहले लिखते हैं फिर देखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है ना फॉर्मूला क्या होता है कि स्क्वायर वाला पहले मतलब पावर जो रहेगा हायर पावर वो आगे लिखते हैं फिर उससे लोअर पावर फिर उससे लोअर पावर, ठीक है तो इसे स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे तो देख रहे ट्वेल्व अल्फा स्क्वायर और माइनस फोर्टी नाइन अल्फा स्क्वायर तो इसमें इसको माइनस करेंगे, ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव है तो कितना होगा थर्टी सेवन थर्टी सेवन होगी नेगेटिव में अल्फा स्क्वायर और ये हमारा रहेगा दिस वन ये वाला टर्म हम इधर ले आते हैं नेगेटिव में था इधर आएगा तो पॉजिटिव में जाएगा दिस इज इक्वल टू जीरो। देन जो होता है कि अल्फा स्क्वायर वाला टर्म ये जो है ये नेगेटिव में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ताकि वैल्यूज लाने में हमें प्रॉब्लम होगी इसलिए नेगेटिव में नहीं करके इसको पॉजिटिव में करते, पॉजिटिव में कैसे होगा ये सारे टर्म्स हम उधर भेज देंगे सारा पॉजिटिव में हो जाएगा जो जो था मतलब सारा चेंज कर देगा अपना साइन को, ठीक है तो साइन हमारी हो जाएगी चेंज सिंपल इस टर्म से उस टर्म जाते हैं तो साइन चेंज जाता है उधर से इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। देन तो ये क्या हो जाएगा हमारा उधर से आएगा तो 37 अल्फा स्क्वायर ये वाला टर्म उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा ये वाला टर्म उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होता है कि ये 7 बाई 2 इस फॉर्मेशन में है तो हमें जो रूट्स है ना वो निकालने में प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करेंगे ये बाई 2 जो है ना 2 को हम हटाने की कोशिश करेंगे। 2 कैसे हटेगा हमारा तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ठीक है पूरा ऊपर को तो क्या हो जाएगा ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट जो आएगा 37 मल्टीप्लाई विद 2 ठीक है 74 अल्फा स्क्वायर यहाँ पे 7 अल्फा हो जाएगा माइनस यहाँ 22 दिस इज इक्वल टू 0 ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी, ठीक समझ में आया 2 से यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करके से लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है समझने के लिए आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। एंड देन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन में हो गया। देन अल्फा का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी मतलब ये वाला टर्म्स माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी ठीक है माइनस 22 दिस वन डिवाइड बाय क्या होगा 2a 2 और 74 है ना 37 इंटू 2 74 ठीक। देन अल्फा इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 49 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है कितने 6512 डिवाइड में आ रहा है हमारा यहाँ पे 4 इंटू 2 8 7 इंटू 2 14 ठीक 148 आ जा रहा है, ठीक है थोड़ा सा इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। देन अल्फा इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर एडिंग करते हैं ठीक है इसको एडिंग कर देंगे तो कितने आएंगे 6561 हो जाएगा डिवाइड में 148 तो चलिए ये जो है वैल्यू ये एक्चुअली में जो वैल्यू है वो 81 का स्क्वायर रूट है ठीक है 81 का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। देन 148
देन अल्फा का वैल्यू 7 प्लस 81 बाय 148, अल्फा इक्वल टू 7 माइनस 81 डिवाइड बाय 148। देन तो देखिए यहाँ जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पे 88 बाय में 148 हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो कितने होंगे 74 148, ठीक है, वो भी नेगेटिव में होगा। तो ये जो डिवाइड होगा ये 4 से डिवाइड होगा, 22 अपॉन में यहाँ पे होगा कितने 37 टर्म्स में जाएंगे 37, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 1 टर्म्स में चला जाएगा माइनस 1 बाई में यहाँ पे 2 माइनस 1 बाई 2 और दिस वन 22 बाई 37। तो अल्फा का दो वैल्यू निकल के आया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, दिस वन। देन अल्फा का वैल्यू जो है हम पहले ये लेते हैं, देन बीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ओके तो हम इरेज करते हैं यहाँ पे, नाउ फ्रॉम 4 से यही बनने दे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ था, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस 7 अल्फा था, ठीक है। इफ अल्फा अगर हम लेते हैं 22 बाय 37, देन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा 1 अपॉन 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 37, ये होगा ना, ठीक है। देन तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएगा, वैल्यूज इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, कॉपी में सॉल्व किए हुए हैं। ओके यहाँ जो होगा 1 अपॉन में 2 होगा माइनस 154 अपॉन में 37, फिर हमारा क्या होगा 37, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम जो कि होगा 74 एलसीएम, दिस इज 37 माइनस 308। ओके देन फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस 271 डिवाइड में क्या होगा 74। तो ये बीटा का वैल्यू निकल के आ गया, ये अल्फा का वैल्यू अगर हम 22 बाय 37 लेते हैं तो बीटा का वैल्यू ये निकला, ठीक। एंड इफ अल्फा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 अगर ये वैल्यू लेते हैं देन बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 7 अल्फा था, अल्फा मतलब माइनस 1 अपॉन 2 दिस वन, देन 1 अपॉन 2 ये माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, 7 अपॉन में 2 मतलब क्या होगा 8 अपॉन 2 एंड बोथ ऑफ द दिस इज 4, ये निकल के आ गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम रिलेशन, नाउ फ्रॉम, तो देखिए यहीं से पता चल रहा होगा कि हम लोग क्या वैल्यू ले, अल्फा का क्या वैल्यू ले सकते हैं, और जैसे अल्फा का वैल्यू लेंगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू अगर माइनस 1 अपॉन 2 लेते हैं तो देखिए बीटा वैल्यू इजीली निकल जा रहा है, ठीक है। तो इजी होगा कि हम अल्फा का वैल्यू ये वाला टर्म्स लें, तो कैसे करेंगे, सेटिस्फाई करवा देते हैं कोई भी इक्वेशन को, ठीक है, हम इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ज़्यादा चांसेस रहेगा इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करवाएंगे ना तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ओके नाउ फ्रॉम रिलेशन 3, ठीक क्या हो रहा है, तो देखिए ये हो रहा है 12 था, ठीक, मतलब 12 12 1 बोल सकते हैं, हम कट कर दिए थे, अल्फा स्क्वायर था, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 था, तो अल्फा स्क्वायर मतलब माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बीटा का वैल्यू आया है 4, दिस इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इधर भी वैल्यू 1 होना चाहिए, माइनस माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दिस इज 4 इक्वल टू 1, देन देख रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है 1 इक्वल टू 1, दिस इज सेटिस्फाई, इट सेटिस्फाई सेटिस्फाई क्वेश्चन 3 ही ज्यादा इजीली होगी। तो हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या है, रिक्वायर्ड रूट्स तो 3:4 था, मतलब 3 अल्फा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे 3 अल्फा जो है माइनस 1 अपॉन 2, फिर 4 अल्फा था माइनस 1 अपॉन 2, एंड बीटा जो है वो हमारा तो 4 है ही, तो मतलब बोल सकते हैं माइनस 3 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 ये कैंसिल आउट कर सकते हो, माइनस 2 हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है।
तो ये वैल्यूज हमारी आ गई जो कि एक्स की वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग लेके आ गए। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन, ये जो वैल्यूज आई है गिवन इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे तो देखिएगा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, एंड फिर कुछ नहीं, टाटा बाय बाय।